जनरल इंजीनियरिंग यूनिट 4 MCQ 1। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के खोजकर्ता कौन हैं? तो ये आर्स्टेड महोदय हैं, जिन्होंने सन 1819 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का वैद्युत प्रभाव किसने खोजा था? तो इसे 1931 में माइकल फैराडे जी ने खोजा था। नेक्स्ट है, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड EMF क्या है? तो किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड EMF कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार उत्पन्न होता है? तो कुंडली में संबद्ध फ्लक्स से के कटने से अथवा कुंडली व चालक के मध्य सापेक्ष गति से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक क्या है? तो ऐसा पिंड या ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता हो, चुंबक कहा जाता है, और इसे स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में चलती हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कोई अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय अक्ष क्या होती है? तो चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष यानी मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक पोल यानी चुंबकीय ध्रुव क्या हैं? तो चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है, उसी को मैग्नेटिक पोल कह दिया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे हमारे इस पार्ट में, इनको आपको देखना है और दो बार में इसे अच्छे से याद कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपको होगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है कहा जाता है डैश। पहला ऑप्शन होगा चुंबकीय क्षेत्र, फिर आएगा चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे 3-4 ऑप्शन बना देंगे, तो आपको उसमें चुंबकीय क्षेत्र पर टिक करना होगा। ठीक है, इस वीडियो में, इस पार्ट में यहीं तक, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।